वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल माय नेम इज़ प्रगति आज मैं जा रही हूँ उन्नाव से लखनऊ स्पेशली लुलू मॉल को देखने के लिए क्योंकि इस मॉल के बारे में मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है ये मॉल काफ़ी बड़ा है इंडिया का बिगेस्ट मॉल है यहाँ पर आपको सारे ब्रांड के आउटलेट्स मिल जाएंगे तो चलिए आइए विजिट करते हैं इस मॉल में और इसी का ब्लॉग पूरा ब्लॉग आज इस मॉल के ऊपर होने वाला है और जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको ब्लॉग के बीच बीच में दूँगी क्योंकि सुना है कि मॉल काफी बड़ा है तो वीडियो भी काफी लंबा होगा तो बाकी की बातें वीडियो के बीच बीच में करेंगे तो चलिए आइए चलते हैं मॉल में सीधे सो so, मैं यहाँ पर खाने जा रही हूँ पपाया और मैं बाहर का थोड़ा अवॉइड करती हूँ सो so, रास्ता काफी लंबा था तो मैंने सोचा बीच में एक ब्रेक ले लिया जाए तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद हम चलेंगे आगे लूलू मॉल सो so, बस गाइज़ यहाँ पर अब हम थोड़ी देर में लुलू मॉल पहुँचने वाले हैं सो दिस इज माई फर्स्ट ड्राइव है और उन्नाव से लखनऊ का इतना लंबा ड्राइव मैंने पहली बार किया है सो so, गाइज दो दो खुशी के साथ ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ड्राइव की और मॉल की तो यहाँ पर मॉल का जो रोड साइड एरिया यहाँ पर हम आ चुके हैं सामने आपको मॉल दिख रहा है यू टर्न करके हम भी आ चुके हैं अब अंदर हम जो मॉल के पार्किंग एरिया उसमें जाएंगे तो मॉल काफी सटल और डिसेंट बनाया हुआ सो so, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं की है मॉल का जो आउटर लुक है सिंपल है काफी अच्छा है और मुझे पसंद आया है और अब हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में गाड़ी पार्क करने के लिए सो so, ये मॉल का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं बट तो हम नीचे से एंट्री करेंगे नीचे गाड़ी पार्क करने के बाद वहीं पर नीचे लिफ्ट बनाई होती है अंदर बेसमेंट में वहीं से हम मॉल के अंदर एंट्री करेंगे सो so, फाइनली हम लुलू मॉल की पार्किंग एरिया में आ चुके हैं पार्किंग काफ़ी अच्छी बनाई गई है और सिस्टम काफ़ी अच्छा है और पार्किंग काफ़ी बड़ी है बहुत स्पेशियस है तो गाड़ी पार्क करने का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है कितना भी क्राउड यहाँ पे आ जाता है तो आराम से आपको गाड़ी पार्किंग के लिए पार्क करने के लिए पार्किंग मिल जाती है सो ये आप देख रहे हैं पार्किंग का व्यू और अब हम चलते हैं ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे जो एरिया बनाए गए हैं एंट्री करने के लिए तो कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं नीचे बेसमेंट से भी तो अब हम आ चुके हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो ऊपर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा सुपरमार्केट यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट ग्रोसरी या फिर होम डेकोर इस टाइप का सारा जो मटेरियल है यहाँ पर मिल जाएगा काफी बड़े स्पेस में बनाया गया है बट हमको लगी थी भूख हमने सोचा सबसे पहले हम कुछ खाते हैं उसके बाद हम मॉल की विजिट करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको यहाँ पर खाने पीने का एक शॉप था जहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आप खा सकते थे बट मुझे वो नहीं खाना था और जो मेन खाने पीने की जो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगी हमने पूछा था वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने हमें बताया था आप सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं तो ये यह है, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस वग़ैरह हैं उनका एरिया बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है जैसे कि लैपटॉप वगैरह फ़ोन कोई भी गैजेट्स आपको ख़रीदना हो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं सो फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा थोड़ा लुक मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ और सीधे हम चलेंगे यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर फिर तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किस जगह से हम सेकेंड फ्लोर पर जाएंगे तो सामने लेडर्स दिख रही हैं वहाँ से हम ऊपर जाएंगे सेकेंड फ्लोर पर और जो सेकेंड फ्लोर पर जाने से पहले बीच बीच में जो भी मुझे दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा है जगह जगह आपको सोफ़ा या चेयर्स वगैरह रखी हुई मिलेंगी जगह जगह एरिया में जहाँ पर जो फैमिली वगैरह है वो आकर रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मॉल अगर बड़ा होता है तो काफ़ी थक जाते हैं तो बीच में नीड होता है कि हम हाँ थोड़ी देर के लिए कहीं रेस्ट कर लें या बैठ जाएँ तो बच्चे या फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आप सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिए गए हैं वहाँ पर आप बैठ सकते हैं सो so फाइनली हम पहुँच गए हैं आप सेकेंड फ्लोर पर और सेकेंड फ्लोर से जो नीचे का लुक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें तो नो डाउट के मॉल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और जगह जगह यहाँ पर मैप भी दिए गए हैं अगर आप कहीं कुछ मिस कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू आप उस जगह पर जा सकते हैं काफ़ी अच्छे से बनाया गया है सो so फाइनली हम आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ मुझे लगा था ये फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के अलावा थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर भी होगा बट ये जो मॉल है फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर वही है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बड़ा है बट सेकेंड फ्लोर के अलावा इस पर थर्ड और फोर्थ फ्लोर नहीं है तो जितना भी एरिया है बस इतना ही है सो so, फिलहाल देखते हैं कितनी शॉपिंग मैं यहाँ से करती हूँ क्योंकि मैं सोच के आई थी मैं कोई भी शॉपिंग यहाँ से नहीं करूँगी क्योंकि रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा था फिलहाल मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी जो कि मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता है तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ खाएँगे और जो यहाँ पर जो खाने पीने का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि नॉर्मल सारे मॉल में इसी टाइप से होता है बट जो एरिया है स्पेशियस है जो चलने का एरिया है जो गैलरी वाला एरिया दिया हुआ है काफी बड़ा दिया हुआ है सेटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छा है बस उस हिसाब से कहा जाए तो ये मॉल बड़ा है और ये देखिए साइड में यहाँ पर आपको सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे जो भी आप खाना चाहते हैं तो मैंने सोचा था कि मैं अभी बहुत टाइम से मैंने वेज सिजलर नहीं खाया था मैंने कहा था मैं सिजलर ट्राई करूंगी तो वही मैं आपको यहाँ पर लेकर ट्राई करके कर बताऊंगी कि मुझे यहाँ का सिजलर कैसा लगा है तो वही हम यहाँ पर ऑर्डर करने जा रहे हैं यहाँ पर हम वेज सिजलर ऑर्डर कर रहे हैं सो so, सिजलर की पिक्चर्स तो काफी अच्छी लगाई हुई देखते हैं फाइनली बन के कैसा आता है यहाँ का सिजलर क्योंकि मैंने और भी बहुत जगह ट्राई किया है मुझे यहाँ का सिजलर बिल्कुल पसंद नहीं आया तो ये देखिए ये सिजलर है जो मैंने उम्मीद करी थी उससे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है बिल्कुल भी देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सिजलर के नाम पर एक तरीके से अग... शुद्ध लैंग्वेज में कहा जाए सिजलर के नाम पर मुझे कलंक लग रहा था ये बट जो भी सामने था अब खाना तो उसी को था तो हमने उसको खाया है खाने में ठीक ठाक था बट जो सिजलर में होना चाहिए वो नहीं था इन्होंने नूडल टिक्की अपना जो सिजलर है इन्होंने देसी जो तड़का लगा दिया में देसी कह सकते हैं इसको। फ्लोर तो तो पर, है। so पर ही यहाँ पर प्ले एरिया मिल जाएगा आपको काफी बच्चों के लिए काफी अच्छी एक्टिविटीज हैं यहाँ पर फन एक्टिविटीज कराई जाती हैं बहुत ज्यादा बड़े एरिया में बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया है पार्टी रूम भी है और जैसा कि आप देख रहे हैं और ये मैप की बात करें तो देखिए जगह जगह फ्लोर पर यहाँ पर इन लोगों ने मैप लगाया हुआ है जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं कहाँ आपको जाना है किस एरिए में क्या है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सो सेकेंड फ्लोर से जो नीचे का व्यू है वो कुछ इस तरह का दिखता है आप देख रहे हैं सो so बात की जाए सेकंड फ्लोर की सेकेंड फ्लोर पे ज़्यादातर है किड्स एरिया किड्स प्ले एरिया ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अंदर का कुछ व्यू का शूटिंग मैंने यहाँ पर की है वही मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर फूड एरिया बनाया हुआ है और कुछ ब्रांड के आउटलेट्स भी आपको सेकंड फ्लोर पर मिल जाएंगे शूज़ वगैरह के सो so जो किड्स के जो प्ले एरिया था उसके ज़्यादा अंदर तक मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ तो आज नहीं आई हूँ सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी बच्चों के साथ आऊँगी और फिर से आपके साथ इसका ब्लॉग शेयर करूँगी जो किड्स का जो प्ले एरिया है उसका फुल ब्लॉक शेयर करूंगी सो so फाइनली हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे एक राउंड घूमते हुए पूरा जो व्यू है मॉल का वो मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ सो so अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले एरिए में और जो गैलरी एरिया है वो देखिए कितना स्पेशियस है और यहाँ पर जितने भी आउटलेट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं मेरे साथ साथ चलते हुए मैं आपको दिखाती हुई जाती हूँ यहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स एरिया है जो भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें लेनी है वो यहाँ पर मिल जाएंगी शूज़ बॉल्स बैट बॉल बच्चों के होला हु ट्रैक सूट स्विमिंग स्विमिंग सूट स्विमिंग ट्रंक्स वगैरह और ये यहाँ पर बैग्स वगैरह थे तो हमने सोचा बच्चों के लिए बैग ले लेते हैं और मैंने यहाँ पर शॉपिंग कर ही ली है फाइनली थोड़ी सी शॉपिंग मेरी हो ही गई है मैंने बच्चों के कलर्स वगैरह यहाँ से लिए बच्चों के बैग्स लिए हैं और कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ले लिए हैं घर के लिए थोड़ा बहुत बट मैंने अपनी कोई शॉपिंग यहाँ से नहीं की है फाइनली आज सो फाइनली अब हम कराने हैं बिलिंग और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और यहाँ से हम निकलेंगे सीधे बाहर और बाहर से हम जाएंगे नीचे पार्किंग एरिया में और वहाँ से जाएंगे अब सीधे घर सो so, मैंने जो इस मॉल के बारे में सुना था बहुत ज़्यादा बड़ा है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा बट बड़ा तो है और मॉल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है तो अगर आप भी इस लुलू मॉल में गए तो मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मॉल कैसा लगा है सो so, इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो लास्ट में जो मैं बोलती हूँ हमेशा वही बोलूँगी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय